नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइज, इज इट वर्थ के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं लेके आऊँ काफ़ी इंटरेस्टिंग गैजेट, जो है एक ब्लूटूथ हेडसेट। और गाइज, ये एक चीप ब्लूटूथ हेडसेट है, मतलब बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएगा। लगभग कुछ 500 से लेके 600 रुपए की प्राइस में आपको ये मिल जाता है अमेजोन पे। और गाइज, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इज इट वर्थ और इज इट नॉट। सो ये है उसका एक्चुअल बॉक्स, और बॉक्स के आगे की तरफ यहाँ पे उसकी ब्रांडिंग दी है, जो है SS12, और वो एक्चुअल ब्लूटूथ हेडसेट आपको देखने मिलते हैं। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ स्पेसिफिकेशन, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। सो गाइस, जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको देखने मिलता है वो ब्लूटूथ हेडसेट और एक माइक्रो USB केबल इसे चार्ज करने के लिए, और उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ देखने नहीं मिलती है। सो गाइज, ये है वो एक्चुअल ब्लूटूथ हेडसेट। आप देख सकते हो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पे जो टॉप है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। लेदर फिनिश यहाँ पे आपको देखने मिलता है, प्लस यहाँ पे साइड में आपको देखने मिलते हैं उसकी ब्रांडिंग, जो है SS12, और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं कई सारे बटन, जैसे कि पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, नेक्स्ट ट्रैक, और एक माइक्रो USB केबल देखने मिलता है, और एक ऑक्स इनपुट देखने मिलता है, और उसके ऊपर आपको देखने मिलता है SD कार्ड का स्लॉट, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है माइक और LED लाइट। और गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी क्वालिटी है, लेदर की क्वालिटी जो यूज़ की है काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छी है। बट गाइज, जो ईयर पीस का क्लॉथ यूज़ किया है वो काफ़ी लो क्वालिटी का क्लॉथ है, आप देख सकते हो। और गाइज, यहाँ पे आपको देखने मिलती है वायर, तो आप देख सकते हो जो वायर है वो बाहर पॉपअप हो रही है। सो वो भी मुझे एक डिसएडवांटेज लगा इसका, प्लस आप इसे आपके हेड के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, और प्लस आप इसे फोल्ड करके ईजिली कहाँ पर भी कैरी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। सो गाइस, अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन और ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SS12 आ चुका है, और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं ये कनेक्ट हो जाता है। सो अभी हम टेस्ट करेंगे इसके साउंड क्वालिटी। सो गाइस, यहाँ पे हम इसमें इंसर्ट करते हैं माइक्रो SD कार्ड, और देखते हैं कैसे ये सॉन्ग्स प्ले करता है। और गाइस, जैसे हम माइक्रो SD कार्ड रिमूव करते हैं, ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है रेडियो मोड में। सो यहाँ पे आपको रेडियो मोड भी देखने मिलता है। सो बेसिकली जो मोड का बटन है उसको आपको प्रेस करना है, और डिफरेंट मोड्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि ब्लूटूथ मोड है, माइक्रो SD कार्ड मोड है, और रेडियो मोड है। सो गाइस, यहाँ पे मैं पर्सनली इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। सो जैसे ही मैं इसे वेयर करता हूँ, इसकी जो फिटिंग है मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो आपके हेड के साइज़ के हिसाब से। प्लस गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ सॉन्ग्स भी सुने। सो जो इसका बेस था वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब हाई क्वालिटी बेस नहीं था, बट गाइस जो वोकल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे। और प्लस हमने इसकी हेल्प से कॉल भी प्लेस किया, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से वॉइस ट्रांसमिशन और वॉइस रिसेप्शन हो रहा था। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा इन हेडफोन्स का अनबॉक्सिंग, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पैकेजिंग में। ऑक्स केबल इंक्लूडेड नहीं है, और गाइज इसमें ऑक्स केबल सपोर्टेड है, बट गाइज यहाँ पे सेलर ने हमें डिफरेंट ऑक्स केबल भेजा है, मतलब सेपरेट पैकिंग में ऑक्स केबल भेजा था। सो गाइज काफ़ी डिसेंट सा यहाँ पे ऑक्स केबल सेलर हमें सेंड करता है, तो गाइज ये बहुत ही बढ़िया बात है। और गाइज अभी हम बात करेंगे इसके साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी, मतलब जो बेस था उसका वो काफ़ी ठीक ठाक सा बेस था, वोकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे। सो गाइज ओवरऑल काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी था। और गाइज इसका जो साउंड है वो काफ़ी हाई है, तो आपको थोड़ा सा वॉल्यूम लो करके ही इसे यूज़ करना पड़ेगा। प्लस गाइज हमने इसमें कॉल भी प्लेस किया, काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉन्वर्सेशन हो रहा था, और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है। ऊपर की तरफ भी आपको मिलता है सॉफ्ट लेदर स्टिचिंग, नीचे की तरफ भी आपको देखने मिलता है सॉफ्ट लेदर। और गाइज यहाँ पे जो हेडसेट का अंदर का कवर है वो थोड़ा लो क्वालिटी का है, बट गाइज ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है।
अभी हम बात करेंगे इसकी बैटरी कैपेसिटी की। सो गाइस कहाँ पे भी इसकी बैटरी कैपेसिटी मेंशन नहीं है मैंने देखा, मतलब यहाँ पे मैनुअल भी प्रोवाइडेड नहीं है, बॉक्स पे नहीं है, वेबसाइट पे देखा वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। बट गाइस यूजुअली मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा था कि ये ऑलमोस्ट एक घंटा से लेकर डेढ़ घंटे तक कंटिन्यूसली वर्क करता है और अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। सो गाइस मेरे हिसाब से 200 से लेके 300 mAh की बैटरी होनी चाहिए इसकी। और गाइस यहाँ पे आपको SD कार्ड सपोर्ट भी देखने मिलता है, FM रेडियो भी देखने मिलता है। सो गाइस कई सारे फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड करने के ट्राई किए हैं। सो गाइस अभी हम आते हैं हमारे फाइनल कंक्लूजन पे, इज इट वर्थ और इज इट नॉट। सो गाइस ये जो हेडफोन है 500 to 600 रुपीज़ की प्राइस में आपको मिल जाता है, प्लस यहाँ पे सेलर की वारंटी यहाँ पे आपको देखने मिलती है। और गाइस साउंड भी काफ़ी डिसेंट है और इतने कम प्राइस में आपको ब्लूटूथ हेडसेट मिल रहा है जिसमें आपको कई सारे फंक्शंस देखने मिल रहे हैं। सो मेरे हिसाब से येस डेफिनेटली इट इज़ वर्थ। सो गाइस बस यही था इज इट वर्थ का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।